तो भाई आज सीन कुछ ऐसा हुआ कि भाई दो लड़कियां फंस चुकी थी भाई, हम आ रहे थे अभी, मेन सबसे गंदा पैच ही था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे दो लड़कियां फंस गई हैं, हम इनकी अभी हेल्प करें, तो अभी हम इनके पीछे पीछे चलते हैं, बीइंग अ ह्यूमन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। अब आ चुके हैं भाई हम मेन हाईवे पे, एंड साथ में ज्वाइन किया हमें राइडर दक्ष ने, और निकल रहे हैं हम अभी एक शॉर्ट ट्रिप पे, शायद मसूरी तक जाएंगे, आज राइडिंग गियर्स नहीं पहने हैं, और ऐसे निकलते हैं फटाफट और देखते हैं क्या सीन रहता है आज का। अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुकी हैं करीबन, एंड अब निकल रहे हैं हम, तो देखते हैं भाई। रोड पे इतने गड्ढे हैं ना इस रोड पे आजकल, पता नहीं जब तक इलेक्शन है साहब, रोड पे बिल्कुल चकाचक रहती है, उसके बाद तो सब खत्म है। अभी तो लेट हो चुकी है इसलिए हम फटाफट निकलते हैं, आपको मिलता हूँ मैं आगे। भाई तो एकदम मस्त हो रहा है मौसम, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है, ज़्यादा तेज धूप है नहीं। अब यहाँ से आई थिंक हाथीपांव रह चुका है 8 to 9 किलोमीटर, एंड मस्त वाइब आ रही है एकदम, काफ़ी टूरिस्ट आए हैं, एंड अब फटाफट चलते हैं, सीधा मिलते हैं आपको हाथीपांव पे। रास्ता देख रहे हो आप आगे, भाई सब बहुत बुरा रास्ता है यार, राइडर दक्ष आ रहे हैं, चढ़िया साइकिल वाले भी आ रहे हैं आगे, गाड़ी बंद कर दो रुक जाओ एक सेकंड। गाड़ी बंद करनी पड़ेगी यार, मेन सबसे गंदा पैच ही था यहाँ पे, इससे निकल जाते हैं बस। भाई साहब निकल गए हम यहाँ से, एंड राइडर दक्ष आ रहे पीछे से, इनकी लाइट चमकने लग गई, इसका मतलब उन्होंने भी क्रॉस कर लिया। ये देख रहे हो ढलान, देख रहे हो कितना गंदा ढलान है, ओ भाई साहब गाड़ी स्लिप, ओ बैंग कर गई। तो भाई यहाँ पे दो लड़कियाँ फंस गई हैं, एंड मतलब इन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है आपसे निकलने में, क्योंकि लाइट कम है भाई इनकी स्कूटी में, तो अभी पीछे फंस गए थे, हमने इनकी अभी हेल्प करें, तो अभी हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हैं हम साथ में। जहाँ तक रास्ता ख़राब है वहाँ तक पीछे रहते हैं इनके, उसके बाद चले जाएंगे आगे। बीइंग अ ह्यूमन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो और हम ये बीइंग अ बाइकर करते हैं क्योंकि हम, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो भाई मिलते हैं आगे। तो भाई आज सीन कुछ ऐसा हुआ कि भाई दो लड़कियां फंस चुकी थी भाई, हम आ रहे थे अभी ऊपर कहीं घूमने गए थे, हम तो आ रहे थे जब भद्रास टेम्पल से भी पहले की जगह थी वो क्लाउड एंड साइड, तो वहाँ पे गए थे हम घूमने, तो रास्ता काफ़ी ख़राब था भाई, और लड़कियों की ना स्कूटी में लाइट ही नहीं थी भाई बिल्कुल भी, तो वो चला ही नहीं पा रही थी स्कूटी, उनको बहुत दिक्कत हो रही चलाने में, तो हमने अपनी बाइक के पीछे से लगा ली, और जहाँ तक रास्ता ख़राब था उनको पूरा रास्ता पार करवाया हमने। और आपको भी कोई मिलता है भाई तो आपको हेल्प कर लेनी चाहिए उनकी, और खासकर लड़कियां मिल जाए तो, लड़कियां डर जाती हैं क्योंकि रात में, तो आपको मदद कर देनी चाहिए किसी की भी, कोई लड़की हो चाहे कोई कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हम उनको पूरा जहाँ तक रास्ता सही था बिल्कुल छोड़ के आए, एंड उन्होंने थैंक यू बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं है
ये तो हमारा फर्ज है भाई। तो ऐसा कुछ रहा भाई आज की वीडियो में, और अब हम घर पहुंच चुके हैं, जस्ट घर यहीं पे रह चुका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना। टिल दैट, बाय बाय।